माय नेम इज़ मयूरी पांडे एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो इट्स संडे सॉल्यूशन एपिसोड 17। और आज के एपिसोड में मैंने 7 ईमेल्स ऐड किए हैं और हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प नीचे दिया हुआ है ताकि आपको पूरा वीडियो नहीं देखना पड़े और जो जो ईमेल्स का आपको आंसर चाहिए वहाँ पे आप ऐसे करके टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके पहुँच के देख सकते हो, या अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। एंड ये मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का यूज़र नेम है, आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड इफ़ यू वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ माई YT फैम यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स। क्लिक हेयर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, देन यू विल नेवर मिस माई न्यू अपडेट। ईमेल नंबर 1, आई होप यू आर वेल। यस आई एम वेल। मेरी मैरिज को 5 साल हो गए हैं बट मैं अपने मैरिज में खुश नहीं हूँ। शादी के 1 महीने बाद ही मुझे पता चल गया था कि मैं अपने पार्टनर के साथ लाइफ टाइम खुश नहीं रह पाऊँगा, बट अरेंज मैरिज है तो सोसाइटी और रिलेटिव के कारण मैंने अपना मन मारकर इस रिश्ते को 5 साल तक चलाता आ रहा हूँ। बट अब मुझे ज़बरदस्ती इस मैरिज को चला पाना अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी वाइफ सुंदर है बट उसके अंदर वैसी क्वालिटीज़ नहीं है जो मैं चाहता था। बट उसे मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों की सोच एकदम मिलती ही नहीं है, उल्टा हर सोच और इरादों में उल्टे हैं, इसीलिए हम दोनों में लड़ाई रोज़ सुबह और शाम की हो गई है। फिर भी वो मुझे डाइवोर्स नहीं देना चाहती है और कहती है कि मैं आपके साथ ही रहूँगी। तो टर्निंग पॉइंट तो ये है कि मेरी लाइफ में मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है और वो भी मुझे चाहती है, और मैं क्योंकि जो क्वालिटी मैं खुद चाहता हूँ वो सब उस लड़की में है, बट मेरी मैरिज की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रही है। ओके, मैं अब सोसाइटी की परवाह नहीं करता। ग्रेट, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? सारी ज़िंदगी ऐसे पार्टनर के साथ रहूं जो मुझसे फिज़िकली और मेंटली कनेक्ट नहीं है, या मैं उसे छोड़कर न्यू पार्टनर के साथ लाइफ एंजॉय करूं जिसमें मुझे वो सारी क्वालिटीज़ है जिसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो मैं ढूंढता हूं। 5 years ऑफ मैरिज, वाइफ डिवोर्स नहीं लेना चाहती है, यू हैव अ गर्लफ्रेंड। ओके, अगर आप अभी वो करोगे ना जो आप करना चाह रहे हो, मतलब आई कैन फील आपको कैसा लग रहा होगा कि मैं सब छोड़ छाड़ के चला जाऊँ, नहीं सोचना किसी के बारे में, बहुत चल लिया फैमिली के हिसाब से, अब मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ। इस चाहत के साथ अगर आप अपनी वाइफ को छोड़ दोगे और उस गर्ल के साथ रहने लगोगे जिससे आपको प्यार है, ऐसा आपको लगता है क्योंकि उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो आपको चाहिए थी अपने पार्टनर में, तो आई एम सॉरी लेकिन ये डिसीजन प्रैक्टिकल लाइफ में स्मूथली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता बिकॉज वी आर इमोशनल बींग्स। वो अच्छी बात है कि आप सोसाइटी की परवाह नहीं करते हो, पर आप उस इंसान की परवाह ना चाहते हुए भी करोगे जो 5 साल से आपके साथ रह रही है। ओके, हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं रहा, लेकिन इन 5 साल में रोज़ रोज़ साथ रहने से अटैचमेंट तो हुआ है ना, और इस अटैचमेंट की वजह से आपको बार बार वो वाइफ याद आएगी जिसने आपके फैमिली का इतने टाइम तक ख्याल रखा, इतने टाइम तक आपका साथ निभाया, और आगे भी वो साथ निभाना चाहती है। शी गेव यू हर 5 years, और इस वजह से आपको गिल्ट भी फील होगा, और इस गिल्ट की वजह से, ये सारे इमोशंस की वजह से आप उस गर्लफ्रेंड को भी वो प्यार नहीं दे पाओगे जिससे आप अभी प्यार करते हो। सो गर्लफ्रेंड आपकी समझदार है कि वो मैरिज की वजह से रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है, तो उसको समझाइए कि ऐसा ऐसा बात है एंड आई रियली वॉन्ट टू वर्क ऑन माई रिलेशनशिप, मतलब मैरिज लाइफ पे, और यार वर्क तो करना ही पड़ता है, रिलेशन चल नहीं रहा है सही से, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इश्यूज़ हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो रिश्ते को ब्रेक कर दोगे, स्पेशली मैरिज को। तो रिलेशन चाहे कोई भी हो, आप ट्राई, मतलब आप सोच के देखो कि कोई रिलेटिव या कोई जान पहचान वाला, उसको आप कॉल मत करो कुछ मंथ तक, उससे हालचाल मत पूछो, उसके बाद वो सिर्फ 2-3 बार ही आपसे हालचाल पूछेगा, फिर वो भी छोड़ देगा ये सोच के कि आप ही तो नहीं करते हो तो वही क्यों करें। फिर क्या होगा, उस रिश्ते की घनिष्ठता ख़त्म हो गई, किसी को भी पता नहीं चला, है ना। तो प्लीज़ ये चीज़ मत होने दो अपने मैरिज के साथ। और आपकी वाइफ, भले उसके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है जो आपको चाहिए थी, वैसे यार अगर मनपसंद ही पार्टनर चाहिए थी तो मनपसंद मैरिज करने का था ना। खैर, अब जो नहीं हुआ उसके बारे में क्या सोचना, अभी आपको खुद को ये समझाने की ज़रूरत है कि आप अकेले कपल नहीं हो जो एकदम अलग अलग है, जिनमें एक ओवन है और एक फ्रिज है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग, आप अकेले नहीं हो। देखने जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, हो सकता है आपके पेरेंट्स भी वैसे हों, एकदम डिफरेंट नेचर के, लाइक एक फ्रिज और एक ओवन, पर दोनों को हम घर में एक साथ रखते हैं, राइट? फ्रिज और ओवन घर में एक साथ रहते हैं, कैसे रहते हैं, अपना अपना काम करके। हम ओवन से निकला गर्म सामान फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज ख़राब हो जाएगा, फिर क्या फ्रिज को घर से निकाल देंगे? नहीं, हम ये नहीं करते हैं, हम वो गर्म सामान नहीं डालते हैं फ्रिज में क्योंकि पता है कि फ्रिज ख़राब होगा, मतलब हम प्रिकॉशन करेंगे बिकॉज
फ्रिज का काम ओवन नहीं कर सकता है, तो उसको ज़रूरत है उसको घर में रखने की। तो किसी इंसान का नेचर आपसे एकदम अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान आपकी लाइफ में यूज़लेस है। आपकी वाइफ का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। वो कोई सोशल मीडिया फ्रेंड नहीं है कि आपने ब्लॉक कर दिया और वो चली गई आपकी लाइफ से। पहली बात तो वो आपको डिवोर्स नहीं देना चाहती है, और दे भी देंगी उसके बाद भी वो इतनी ईजिली आपके लाइफ से, आपके माइंड से नहीं जाएंगी। सो आप एक काम करो, आप अपनी वाइफ को अपने पास बैठाओ और उनसे पूछो कि उसको क्या क्या चीज़ें नहीं पसंद है आप में, क्या क्या चीज़ें उसको प्रॉब्लमेटिक लगती हैं आपके अंदर, और उन सारी चीज़ों को आप नोट करते जाओ एक पेपर में। और सेम चीज़ आप उनको बताओ कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं पसंद उनमें, और आप दोनों बैठ के डिस्कस करो कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ आप लीव कर सकते हो और उसको छोड़ने में कितना टाइम लगेगा। और प्लीज़ लड़ने मत बैठ जाना, हाँ इसको एक्सेप्टेंस और शांत दिमाग के साथ करना है। फिर एक मंथ के बाद में एक एक्सपेक्टेशन लिस्ट बनाओ, मतलब वो चीज़ें जो आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो उसको लिखो, और वो चीज़ें जो वो आपसे एक्सपेक्ट करती हैं उसको लिखो, और फिर उनको उन पर आप लोग वर्क करो। मतलब इट्स लाइक अपने अंदर कुछ कुछ क्वालिटीज़ इम्प्रूव करना, और उन सारे अपडेट्स को आप नोट करते जाओ। आपको पता चलेगा कि कौन कितने एफर्ट्स डाल रहा है इस रिश्ते को हैप्पी बनाने के लिए। सो मे गॉड ब्लेस यू। ईमेल नंबर 2। I have been in love with a girl for many weeks. We have been chatting on WhatsApp frequently. She also had a BF and she talks casually of him. But about a week back, she confessed that she loves me, and then we started serious chatting about our life and future and all. She also assured me that she is going to leave her BF. But a few days ago, she suddenly started complaining and comparing me with her BF, and I got angry and I blocked her. Then I have a soft corner for her, so I unblocked her and talked, but she only replies with yes like this. She also blocked me when I complained back. Should I try to forget her, or there is some other way to make her fall again? I'm so confused for what happened to her. Babu Shuna se ekdam formal ho gayi hai aur ब्लॉक भी कर दिया है मुझे। ओके, कंटिन्यू मत करो वरना ये ड्रामा ऐसे ही चलता रहेगा। वो गर्ल खुद भी फ्रस्ट्रेटेड होगी, आप भी डिस्टर्ब होगे, इसलिए ख़त्म करो। एटलीस्ट अपनी तरफ से सब कुछ ख़त्म करो, कम्युनिकेशन भी एक्सपेक्टेशन भी, क्योंकि वो इनमें से कुछ भी फुलफ़िल नहीं कर पाएगी। ना वो आपको टाइम दे पाएगी कम्युनिकेट करने के लिए, ना ही आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरी उतर पाएगी। सो मूव ऑन, बिकॉज शी चीटेड ऑन हर BF, मतलब शी वॉज कमिटेड, और वो लॉयल नहीं रह पाए ना अपने BF के लिए। थर्ड ईमेल है, दी आई मेट हर थ्रू माई कॉलीग ऑफ ऑफिस एज माई कॉलीग एंड शी वेर MBA मेट्स। आफ्टर मीटिंग आई रियलाइज दैट शी इज़ द वन आई एम लुकिंग फॉर। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर ऑन व्हाट्सएप। शी वॉज वेरी इंप्रेस्ड विथ मी एज आई वॉज वेरी फनी एंड पॉजिटिव इन नेचर। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड मीटिंग विदाउट टेलिंग माई कॉलीग। आफ्टर दैट शी टोल्ड मी अबाउट ऑल द पास्ट शी हैड एंड सेम आई डिड। आफ्टर 2 months वी वेर दैट मच क्लोज की आई स्टार्टेड लिविंग इन हर फ्लैट एंड एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। वी वेर रोमांटिक बट नॉट फिजिकल एज वी वेर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड वॉट इज रॉन्ग एंड वॉट इज राइट, बट द रिलेशन इन बिटवीन वॉज अननेम्ड। एज फ्रॉम फर्स्ट डे शी हैज़ क्लियर स्टैंड की आई लाइक यू बट वी कॉन्ट बी टुगेदर इन फ्यूचर, एंड आई ऑल्सो क्लियर स्टैंड की आई लाइक यू इन आई लव यू एंड इन फ्यूचर perspective. She is 1.5 years elder than me, and next year she have to marry a guy decided by family. She said we can marry, but within 1 year only if you have to get settled in life, as family only looks stability of a boy for marriage, which is practically impossible for me. So before lockdown we were living very happily with unnamed relation. First day of lockdown and she moved to her home in Ranchi from Pune. And from living together to 1 minute call per day, everything changed. I got frustrated as I was addicted to her. But she said ki ghar wale kabhi bhi start kar sakte hain dekhna, so you have to be prepared to get separate. So from today onwards I'll not talk to you that much, so you will get used to it. But Deeshi is my first love and I want to live with her for my whole life, but the reality is different. I'm 23 only and I can't get settled in up to next year, as I want to start my own business, but I can't lose her because I love her, I respect her due to her nature. What should I do? Please help me. God,
देखो आपका अटैचमेंट इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि शुरू से ही आपका इंटेंशन था कि आप उनसे हमेशा प्यार करोगे, बट उसका इंटेंशन शुरू से ये था कि ये बॉन्डिंग परमानेंट नहीं है एंड शी वॉज क्लियर अबाउट दैट। और वो अभी भी यही कह रही है, शुरू से यही कहती थी और अभी भी आपको अपने बिना रहने की आदत डलवा रही है। मतलब वो डिसाइड कर चुकी है कि वो अपनी फैमिली की मर्ज़ी से ही शादी करेगी, आपसे नहीं। उसके बाद भी वो क्यों ये एक साल में अगर सेटल हो गए तो वाला होप क्यों दे रही है मुझे नहीं पता। आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को तो मेंटेन कर लोगे एक्स्ट्रा वर्क करके, फ्रीलांस करके, पर उसकी फैमिली वेट नहीं करेगी ना इतने टाइम तक। और आप बहुत छोटे हो यार, आप मत करो, बिकॉज वो आप इतना प्यार भी नहीं करती आपसे कि वो अपनी फैमिली को किसी भी हाल में कन्विंस करे वेट करने के लिए। तो रियलिटी को एक्सेप्ट करो, एक बंदा रिश्ता निभाना चाहता है या रिश्ता बनाना चाहता है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सच सच होता है। और सच ये है कि वो आपकी लाइफ की फर्स्ट लव है बट आपकी पार्टनर नहीं है, सो एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। ओके, फोर्थ ईमेल है, अब बड़ा स्ट्रेट इंसान है ये, आपकी एडवाइस चाहिए, दिस इज टाइटल। ओके, हाय मयूरी जी, उम्मीद करता हूँ आप ठीक हो, आपकी वीडियोज़ देख के तो लगता है कि आप खुश हो और तंदुरुस्त हो। हाँ, मैं खुश हूँ और तंदुरुस्त हूँ। आपके वीडियो से मुझे काफ़ी मदद मिली है और लड़कियों को समझने का ज़रिया भी मिला है, बहुत शुक्रिया आपका। अब मेरी प्रॉब्लम आपको समझाता हूँ। मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं है, जान पहचान तो है कुछ लड़कियों के साथ लेकिन कोई दोस्त कहलाने लायक नहीं है। सेवेज, मैं सीधा साधा बेंगलोरियन हूँ, अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुका हूँ और अभी जॉब ढूँढ रहा हूँ। मैं लगभग हर वक्त लड़कियों के साथ अच्छे से पेश आता हूँ या कोशिश करता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनसे बदतमीज़ी नहीं करता, उनके सामने गाली नहीं देता हूँ और कभी कभी मजाक कर लेता हूँ, पर तंग भी कर देता हूँ कभी कभी। पर मैं उनसे बात करते वक्त थोड़ा बहुत पूछ लेता हूँ उनके बारे में, लेकिन बाद में जब मुझको लगता है कि वो सवाल नहीं पूछ रही है मेरे बारे में, तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें बोर कर रहा हूँ और या फिर वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। जब कोई पूछता नहीं है तो मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं पूछ रहा है मतलब ये नहीं सुनना चाहता है मुझसे। GF तो नहीं है तो ना सही, लेकिन कम से कम कोई ऐसी दोस्त तो हो जिसके साथ मैं घूमने जाऊँ, बातें करूँ, मस्ती करूँ, मजाक करूँ, लेकिन ऐसा भी कोई नहीं है। जब मैं दूसरे लड़कों को देखता हूँ कि वो लड़कियों के साथ इतना घूमते हैं मूवी थिएटर्स में, मॉल में, होटल्स में, मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुझे कुछ नहीं पता है। ओके, मैं जानता हूँ कि लड़कियों को रोमांटिक बातें पसंद होती हैं, मैं ऐसी बातें जानता हूँ, लेकिन मैं इस डर से किसी भी गर्ल को ऐसी बातें नहीं कहता हूँ, कहीं वो मुझे लाइक या लव ना करने लगे। मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता हूँ बिकॉज़ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कैसा लगता है जब दिल टूटता है। आप मानो या ना मानो पर यही रीज़न है कि मैं उनसे रोमांटिक बातें नहीं करता। मुझे शो ऑफ करने का कोई शौक नहीं है और ना ही कोई किसी को इम्प्रेस करने का, ट्राई भी नहीं किया है कभी अपनी तरफ से। कई बार कोशिश की लड़कियों क्योंकि उनमें इंटरेस्ट दिखाने की, उनसे दोस्ती करने की, पर किसी ने भी मुझमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैं दिखने में एवरेज हूँ और जॉबलेस भी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मतलब बिना बताए उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं जॉबलेस हूँ। और मैं अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हूँ और इस पर फोकस कर रहा हूँ। 2-3 मैसेज कर दिया लड़कियों को, लेकिन हर बार मुझे ही मैसेज करना पड़ता है पहले और किसी लड़की ने वापस चैट स्टार्ट करती ही नहीं है कभी। कुछ दिन पहले बड़े दिल से और बहुत मेहनत से एक लड़की की स्केच बनाकर भेजी। वाओ, आपको स्केच भी बनाना आता है? ओके, तो उसने कहा इट्स गुड और ख़त्म। उसके बाद मेरे मैसेज को रिप्लाई भी नहीं किया। इससे मेरा दिल टूट गया यार। भले कितनी ही अच्छी लड़की हो दिखने में, लेकिन मैं सभी को एक तरह से ट्रीट करता हूँ। अगर आपके पास वक्त हो तो प्लीज़ बताओ कि मुझे क्या गलती हो रही है मुझसे, कोई लड़की क्यों नहीं मुझे जानना चाहती है। सॉरी ये मेल बहुत लंबा हो गया है, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर अगर आप मेरी मदद की तो। आप पर भरोसा करके अपनी सारी पर्सनल बातें आपको बता रहा हूँ। ओके, आपसे गलती बस इतनी हो रही है कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस को जगह नहीं दे रहे हो। मतलब मैं ऐसा हूँ, मैं ये करता हूँ और मेरी ये चीज़ें लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यही करता रहूँगा क्योंकि ये आसान है। लोगों के रिस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को इम्प्रूव ना करना आसान है। यू आर मेरी बेपरवाह टाइप, और कि मतलब कोई आए तो वेलकम, कोई जाए तो भीड़ कम। और ये इस एटीट्यूड में प्रॉब्लम तब नहीं होता जब इंसान वाकई में वैसा होता है, पर आप इमोशनल अटैचमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो लेकिन आपको इन्वेस्ट नहीं करना है खुद से, तो ऐसे कैसे चलेगा भैया। आपने दोस्ती की है किसी गर्ल से तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करना पड़ेगा ना, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। सो
सामने वाला इंसान कैसे आपके बातों को रिस्पॉन्ड करता है, आपकी किस बात को रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस बात को नहीं, इसको नोटिस करो एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. प्लीज़ भैया, रियली सॉरी फॉर दैट एक्सेंट, लेकिन मुझे बहुत फ़न लगता है. मतलब साउथ दिल्ली गर्ल्स जैसे बात कर देना, ओ भैया ऐसे वैसे, तो वो बहुत फ़न लगता है मुझे बात करना वैसे. हालांकि मैं करती नहीं हूँ बिकॉज आई एम नॉट साउथ दिल्ली गर्ल, बट मज़ा आता है. ये नेक्स्ट ईमेल है. Hi, I observed your video on YouTube, so I wanted to ask that if some boy likes some girl who is elder than him, then can it possible for him that he can connect with her? Moreover, having a look on all the parameters like career, finance and family issues that can come along their relationship, which may either break their relationship or provide them to the access to continue their relationships. I want to listen from your mouth what you think regarding it. Finally, how much age gap is sufficient in this kind of relationship? ? सजेशन देनी तो बैठे मैं यहाँ पे. यस, इट इज़ पॉसिबल. आप कनेक्ट कर सकते हो, आप रिलेशनशिप में आ सकते हो, कुछ यूनिक बॉन्डिंग अपनी क्रिएट कर सकते हो. बट अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप अपने इस रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अनलेस आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो कर सकते हो. एंड एज से ज़्यादा मायने रखता है आपका स्टेटस, कि इस वक्त आप क्या हो लाइफ में, क्या कुछ आपने अचीव किया है. बिकॉज बहुत लोग तो कम एज में भी बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लेते हैं, तो क्या आपके अचीवमेंट्स ऐसे हैं जो आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं. और रही बात एज सफिशियंट एज गैप की, तो नॉर्मल कपल्स में ही होता है 1 to 4 ईयर्स एंड, बट यू रोट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, तो इसमें भी 5 to 8 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना किसी एक पार्टनर को ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग बनाए रखने के लिए. ठीक है, ये वाला 5/16 ईमेल है. मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और मुझे बहुत हेल्प हुई है, बट मैं एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ. मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है और हम बचपन से साथ हैं, और मेरी GF भी है और हम 10th से रिलेशनशिप में हैं, और अभी मुझे 3 साल हो चुके हैं. प्रॉब्लम यह है कि अभी मेरी GF को मेरी बेस्ट फ्रेंड से प्रॉब्लम हो रही है, पर मुझे बैलेंस करने के लिए दोनों की ज़रूरत है. बट मेरी GF बोल रही है कि मैं किसी एक को चुनूँ, अगर मैं, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे ही कॉलेज में है, बट मेरी GF मेडिकल कॉलेज में है, तो हम पूरा टाइम कॉलेज में मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ रहती है, और इस बात का उसको प्रॉब्लम है. अब मैं क्या करूँ, आप कुछ सॉल्यूशन बताओ ताकि मैं मेरा रिलेशनशिप बचा सकूँ. ओके, दिन भर कॉलेज टाइम में आपके साथ रहती है आपकी बेस्ट फ्रेंड, तो उसका तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स नॉट योर फॉल्ट, वो तो रहेगी ही ना भाई. बट आप ये कर सकते हो कि आप अपने GF के सामने अपने बेस्ट फ्रेंड का जिक्र भी मत करो, बिकॉज ऑब्वियसली वो दिन भर आपके साथ रहती है रोज़ रोज़, तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे इतना भी पूछती होगी ना कि और दिन कैसा रहा, तो उसमें कहीं ना कहीं तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड का जिक्र हो ही जाता होगा, और वो और भी ज़्यादा एकदम पिस्ड ऑफ हो जाती होगी कि क्या है, बस उसी की बातें करो तुम, बस वही चलती है दिमाग में ऐसे करके, वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती होगी. तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो कि आप अपने और अपने बेस्ट फ्रेंड की, चाहे मज़ेदार बातें हों या कुछ भी बातें हों, कुछ भी उनसे शेयर मत करो. एंड उनको बोलो कि मैं अपने लिमिट्स में रहूँगा, बट गर्ल यू हैव टू ट्रस्ट मी. और अगर ऐसा होता कि उसके साथ मेरा अफेयर चल रहा होता, तो मैं उसको तुमसे इंट्रोड्यूस ही नहीं कराता ना, अगर मैं चीट कर रहा होता, जैसे बाकी लोग करते हैं जो अपनी पार्टनर को चीट करते हैं, तो वो जिसके साथ चीट कर रहे होते हैं उसको थोड़ी ना दोस्ती करवा देते हैं कि मीटी और सौतन, ऐसे नहीं करते ना. तो वो चीज़ समझाओ और उसके भेज में घुसाओ, और ज़्यादा है तो उनको प्रूफ्स दो, अपने चैट्स और कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह सुना दो, जिससे उनको क्लियर हो जाए कि वो कॉन्वर्सेशन ऐसी नहीं है जैसे अफेयर चलता है तो होती है टाइप का. और या उनके भेज में घुसाओ, बिकॉज यू लव हर एंड यू कॉन्ट लूज हर. ये है 7th ईमेल. बिफोर गोइंग टू सिचुएशन, माई क्वेश्चन इज़ वेदर आई शुड क्लियरली प्रपोज हर ? Or whether I should just stop thinking about her as lover ? Or whether I should stop communicating with her and break on friendship at all. Now the story is, we met 4 years ago. We spent 3 years together in office classes. After that also still we communicate through phones. Sometimes meet with purpose of study and meet for some events, celebrate like birthday etc. We are very close and open to each other. Means सामने वाला कोई देखे तो उसे लगता है कि हम कपल हैं. मैं उसकी हर बात मानता हूँ और उसके हर बात में सपोर्ट भी करता हूँ, फेवर करता हूँ, एंड दैट्स वाई शी लाइक्स मी एंड ट्रस्ट मी इन दैट कॉन्टेक्स्ट.
and she also cares about me and cares about my career. I like and love her, but I never proposed her yet, as she doesn't give any hint whether she also interested in me or not, or है तो लव टाइप वाली ही है या पता नहीं, और उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं ये भी उसने कन्फ्यूजन में ही रखा हुआ है. मीन्स नो क्लियरिटी इज देयर वेदर शी इज़ ओनली इन फ्रेंड जोन और इन लव. बट माय प्रॉब्लम इज इन मेमोरीज ऑफ हर आई एम डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम माय करियर. मीन्स आई थिंक अबाउट हर एंड फ्यूचर विथ हर टू मैरी, ड्रीमिंग हर इन माई लाइफ टू मच, वाइल एट सेम टाइम आई थिंक दैट शी कैन नॉट बी माई. आई होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, एज मैं उससे फ्रेंडशिप तोड़ना चाहता तो नहीं हूँ बिकॉज शी ट्रस्ट मी, बट भूल भी नहीं पा रहा हूँ. मीन्स दिन में उसका एक मैसेज आ जाए और मेरा सारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, क्या करूँ? ओके, सैड सजेशन, प्रपोज मत करो. क्लियरिटी नहीं है मतलब क्लियरली कोई है, और मे बी वो आपको इतना क्लोज नहीं समझती होंगी इसलिए नहीं बता रही होंगी, या उनको क्लू होगा कि आप उनको सीक्रेटली एडमायर करते हो इसलिए नहीं बता रही होंगी कि आपको हर्ट हो जाएगा. बट शी इज़ नॉट गोइंग टू से यस इफ़ यू विल प्रपोज हर. तो बेहतर होगा कि आप अपना सारा फोकस वापस से अपने करियर पे ड्राइव करो, क्योंकि ये जो छोटा सा होप है कि वो आपकी हो सकती है, यू ऑलवेज ड्रीमिंग अबाउट हर, ये होप ही आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करने दे रहा है किसी चीज़ में. आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि शुड आई ट्राई और शुड आई नॉट, मैं ट्राई करूँगा तो हो जाएगा क्या कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. तो इसीलिए आप पूरे फोकस्ड माइंड के साथ अपने करियर पर फोकस करो, छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उनको अचीव करते जाओ, एंड जब वो कांटेक्ट करें आपसे तब आप नॉर्मल बातचीत कर लो, लेकिन रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स मत डालो. एंड आई होप आप मेरी बात मानो. कि ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा, और मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना जो कि होगा टॉपिक वीडियो. और ये संडे वीडियो बहुत लंबा होता है, बट इट्स ओके, बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स भी तो सॉल्व होती हैं, और सिर्फ टॉपिक वीडियो बनाने से नहीं पता चलता है इतना लोगों को कि उनकी लाइफ की प्रॉब्लम को वो कैसे डील करें. एनीवेज, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.